Let's enjoy the luxurious experience of being on a train in Kashmir. आपकी ट्रैवल स्टोरीज में अगर कश्मीर की स्टोरी ना हो तो वो एकदम फीकी फीकी स्टोरी है। Hi people, a very good morning from श्रीनगर once again और फिर से हम लोग हैं कश्मीर में क्योंकि एक और नई जो है ट्रेन जर्नी होने वाली है स्टार्ट। सो जो आज की ट्रेन जर्नी है वो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम आज ट्रैवल करने वाले हैं एक स्पेशल कोच में जो कि कुछ मंथ्स पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया था बाई इंडियन रेलवेज। तो आज उसमें जर्नी करेंगे एंड वो जर्नी क्या है कैसी वो आपको आगे पता चलेगा। प्राइस डिटेल्स एंड एवरीथिंग टाइमिंग सब कुछ आपको बताया जाएगा एंड हम लोग फाइनली पहुंच जाएंगे बनिहाल। तो ये जो डिस्टेंस है ये जो ट्रेन है वो श्रीनगर से और बनिहाल के बीच में चलती है, सुबह 9:22 पर निकल जाती है। तो हम लोग वैसे इसकी जो टिकट्स है वो आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं, मैंने भी ऑनलाइन बुक कराई थी। और बाकी क्या डिटेल्स है क्या रूट है वो मैं आपको अंदर जाके बताऊँगी। और अभी बहुत सुंदर सुबह है और बहुत सुंदर लैंडस्केप आने वाले हैं। वैसे काफ़ी सारी मैंने ट्रेन जर्नीज ऑलरेडी बनाई है और वो व्लॉग्स भी आप डिटेल में देख सकते हैं। सो एंजॉय दिस राइड, आई एम गोना टेक यू इनसाइड एंड देन वी गोना बिगिन द जर्नी। सो दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त रुचि त्रिवेदी एंड यू आर वॉचिंग रेडियो एक्टिव रुचि। वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की ट्रेन में से छुट्टी नहीं है मेरी, मैं बहुत जल्दी जल्दी आई हूँ। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी। तो ये सुबह बड़े ही मिक्स्ड इमोशंस के साथ आई है श्रीनगर में यार, क्योंकि जितना यहाँ खुशी थी मुझे 3 दिन पहले आने की, आज उतना ही दुख हो रहा है यहाँ से जाने का। और ये खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन, ये खूबसूरत सा शहर छोड़ने का यार समय आ चुका है। तो बस निकल चुकी हूँ मैं लास्ट ट्रेन जर्नी करने के लिए। कश्मीर से अब जम्मू की ओर जाएंगे और इस शहर को कुछ समय के लिए अलविदा कहते हैं क्योंकि यहाँ दोबारा भी तो आना है ना। जो ट्रेन जाएगी वो है ये ऊपर, मतलब वुडन वर्क का पूरा, वो अच्छा लग रहा है। वेट करते हैं ट्रेन का, इट्स 9:11 राइट नाउ, फिर वहां से निकले। सो गाइस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द ट्रेन एंड पता है मतलब ट्रेन मतलब यहाँ स्टेशन भी है, इट्स लाइक क्लेनलीनेस मेंटेन करी गई यहाँ पे, ऐसा नहीं है। एंड देन ये जो ऊपर का जी जो पूरा जो करा है ना ऊपर में, ये बहुत अच्छा है, लाइक द वुडन वर्क। और कल मैंने आपको वुडन स्विचेस जो थी वो दिखाई थी, सो दे हैव सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो वांटेड टू लाइक यू नो मेक इट लुक अ लिटिल बिट ऑन अ कल्चरली, मतलब ऐसे यू नो हायर साइड उस तरीके का बनाया गया। सो दैट्स हाउ इट इज। और फाइनली हम लोग निकलेंगे यार रेलवे स्टेशन से, बट आई एम फीलिंग एक्चुअली बैड, लाइक यू नो दैट मैं यहाँ से निकल रही हूँ। इट्स रियली 3 दिन ऐसा लगा ना, इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले, इतनी अच्छी अच्छी बातें करी और इतनी अच्छी मैंने ट्रेन जर्नीज करी आप लोगों ने, तो बहुत अच्छा लगा, वो फीलिंग ही अच्छी होती है। तो मैं अपने ब्लॉग्स को ना बहुत टेक्निकल नहीं बनाना चाहती हूँ, मतलब आई वांट टॉक अबाउट अदर थिंग्स, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मेरी खुद की चीज़ें, मुझे कैसा लगा ट्रेन जर्नीज एंड ऑल द डिटेल्स। और जो जो भी स्पेसिफिक एक्चुअल डिटेल्स है वो तो आप लोगों को मिली जाएंगी थ्रू जो भी मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ अबाउट द प्राइसिंग एंड ऑल। इट्स बीन 3 डेज ऑलरेडी दैट आई हैव बीन सॉर्ट ऑफ स्टेइंग हियर, बट नाउ आई हैव टू लीव, आई हैव कवर्ड फ्यू ट्रेन्स। अगर आप लोगों ने संगल दान वाली ट्रेन जर्नी नहीं देखी है विच आई रिसेंटली एक्चुअली कवर्ड, तो आप वो देख सकते हैं।
और ये मतलब काफी जर्नी थी जो मैंने कही थी बनिहाल वाले जो नॉर्मल ट्रेनों से भी करी थी. आज जिस टाइप हम जर्नी करते हैं लेट्स एंजॉय द लग्जूरियस एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ऑन अ ट्रेन इन कश्मीर. और कुछ ही देर इंतजार करने के बाद अपने निर्धारित समय से सिर्फ 5 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन पे आने वाली है. वैसे यहाँ पहुँच के मुझे एक बात जरूर पता चली कि ज्यादातर ट्रेन जो है ना वो ऑन टाइम ही रहेंगी, तो आप यहाँ पे ना देर से आने की गलती ना करें. और इसी के साथ हमारी ये खूबसूरत राइड का एक्सटीरियर वाली जो खूबसूरती है देख लीजिए. और कश्मीर से निकलने से पहले एक सबसे जरूरी चीज, यहाँ पे तैनात सिपाहियों के बलिदान और वीरता की गाथाओं को भुलाया नहीं जा सकता. भारत का हर नागरिक आप लोगों का ऋणी है. और जाते जाते एक लाइन याद आ गई जो जैकी श्रॉफ ने बोली थी बॉर्डर मूवी में, हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम हो. Leaving from Srinagar, train is departing from Srinagar. हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट लेट दिखते हैं यहाँ से. एंड अब मैं अंदर चल के आपको दिखाती हूँ एंड शो यू के हाउ इज द इंटीरियर और बाकी चीजें कैसी है वो हम अंदर चल के देखेंगे. वैसे इसमें देखा जाए तो एक ही जो कोच है वो विस्टाडोम का लगता है और जो बाकी कोचेज है वो नॉर्मल वाले लगते हैं. तो बहुत छोटी सी ट्रेन है, इसके कोचेज भी ज्यादा नहीं है. तो बस ये जो एक ही सिंगल कोच के साथ ये चलती है सड़कों के साथ. सो आई एम गोना शो यू सर्टेन लैंडस्केप्स. वैसे मैंने बहुत सारी जर्नीज में दिखाई दिया है. इट्स अ सनी डे, इट्स अ ब्राइट डे एक्चुअली. बस अंदर चलकर आपको इंटीरियर दिखा देती हूँ और कहाँ क्या बैठे हैं एंड देन बाकी जो चीजें हैं वो मैं आगे ब्लॉग में लेकर जाऊंगी. ठीक है. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि व्हाई अ विस्टाडोम कोच. तो विस्टाडोम कोच इज अ स्पेशलाइज्ड ट्रेन कैरेज इन इंडियन रेलवेज डिजाइंड फॉर सीनिक ट्रैवल. और इससे फायदा क्या होना है, इट एनहांसेस द ट्रैवल एक्सपीरियंस मेकिंग इट आइडियल फॉर टूरिस्ट्स सीकिंग अ यूनिक वे टू एक्सप्लोर इंडियाज डाइवर्स लैंडस्केप्स. चलिए इन सबको एक एक करके देखते हैं. तो वी हैव द कंफर्टेबल सीटिंग, ergonomically designed reclining seats ensure passenger comfort. We also have window blinds and tray tables in the front, and how can we forget the display screens that showcase the live updates on the journey including distance covered and upcoming stations. Aur aise multiple screens aapko pure coach mein dikh jati hain. और वहीं हम सभी को टाइम टू टाइम अपडेट्स भी मिलते रहते हैं अनाउंसमेंट्स के थ्रू, जिससे एक जर्नी अनडाउटेडली और भी इंजॉयबल और इन्फॉर्मेटिव हो जाती है. और सबसे अच्छी बात ये थी कि इस पूरे कोच में कोई बैठना नहीं चाह रहा था, हर कोई खड़े होके बस फोटोज और पिक्चर्स ही निकाल रहा था. ऑल्सो लेट मी शो यू द चार्जिंग पॉइंट्स. सो यू गेट डेडिकेटेड चार्जिंग पॉइंट्स फॉर योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड दैट इज व्हाई ऑल दीज फीचर्स मेक द विस्टाडोम कोच अ पॉपुलर चॉइस फॉर टूरिस्ट्स सीकिंग अ मेमोरेबल रेल जर्नी इन इंडिया. और ये तो हमारा खूबसूरत सा कश्मीर है. ऑफ कोर्स वी नीड दीज लार्ज विंडोज, फ्लोर टू सीलिंग विंडोज एनहांस द सीनिक एक्सपीरियंस. और ये सब चीजें बेकार हैं जब तक एक फैसिलिटी जिसे कहते हैं क्लाइमेट कंट्रोल वो ना हो. तो ऑफ कोर्स जब आप ऐसे रीजन्स में इंडिया के अलग अलग जगह पे जाते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है क्लाइमेट कंट्रोल ऑप्शंस की, जो फैसिलिटी हमें यहाँ जरूर मिलती है फॉर अ कंफर्टेबल एटमोसफेयर. Guys, finally on the train and we have departed from Srinagar. We'll be reaching in Banihal in some time. और जो journey है वो of course जो आप visiting coaches के लिए बनाए जाते हैं, so that जो आपका viewing experience होता है, जो होता है ना, उसको enhance करने के लिए. So it gives a very sort of like you know genuine enhancement to your viewing experience on a train. That is why the Indian Railways introduces these particular Vistadome coaches.
और अगर वो एक सीनिक रूट हो जिसमें एक अच्छे लैंडस्केप के साथ आप चीजें देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर द लॉफ्टी माउंटेन्स ओवर हियर, तो अगर आप ऐसी चीजें देखते हैं तो फिर उसके लिए ना इन टॉलफिन्स को या टॉलफिन हो गई या फिर रिसोर्ट एंड कोचेस वाले को इसी में इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है. कश्मीर इज ऑब्वियसली यू नो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंडस्केप जिसका इंडिया में है, तो व्हाई नॉट कि यहाँ पे ऐसा ना हो. और इस चीज की कमी थी विच वॉज रियलाइज बाय इंडियन पीपल्स कि भाई ये चीज की जो कमी है तो व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस ऑन दिस सॉर्ट ऑफ लाइक नो दिस सॉर्ट ऑफ कोचेस इस पूरे सीन में. सो बात ये तो ऑल ऑफ यू इसमें एक कोच है जिसको विस्टाडोम जो है ना कोच इसमें इंट्रोड्यूस किया गया. अभी फिलहाल ये बनिहाल के बनिहाल से और श्रीनगर के बीच में मतलब जो है ना ये ऑनलाइन बुकिंग होती है इसके आईआरसीटीसी से और बाकी ट्रेन की नहीं होती, मतलब इस ट्रेन की आपको मिल जाएगी तो आप उसमें बुकिंग करवा सकते हैं. और जो डिटेल्स है वो मैं आपको ऑलरेडी स्क्रीन के थ्रू और आपको मिल जाएगी. सो अब हम आगे की जर्नी को इंजॉय करते हैं बनिहाल. आपकी जस्ट सीट के ऊपर ही सीट नंबर्स लिखे होते हैं एंड बिकॉज ये एक चेयर कार है आपको बैठना पड़ता है तो आपको सामने ही मिल जाता है एक फुट रेस्टिंग फैसिलिटी जस्ट नेक्स्ट टू योर चार्जिंग पॉइंट एंड यू कैन कीप योर वाटर बॉटल एंड मैगजीन्स एडजेसेंट टू इट. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting. I have seen a lot of restaurant coaches already, but this particular one has I think comparatively larger windows. In case you are visiting here at any time, तो एक बार आप कर सकते हैं लेकिन टू वन फ्रो की जो जर्नी होती है उसमें एट लीस्ट वंस यू कैन ट्राई कि आप इससे मतलब इस कोचेस को एक्सपीरियंस करना. बट ये है कि मतलब यू जस्ट हैव टू इन ड्यूरिंग द पीक सीजन आई गेस यू नीड टू बी अ बिट थोड़ा सा लाइक यू नो अटेंटिव. सीस माइट सेल आउट सूनर बिकॉज वी हैव जस्ट दिस वन पर्टिकुलर कोच. आई गेस पीक सीजन के टाइम पे हो सकता है कि शायद ज्यादा कोचेस लगे, आई एम नॉट श्योर. बट फिलहाल इट्स नॉट अ विस्टाडोम ट्रेन, एक होता है पूरी विस्टाडोम की ट्रेन, ऐसा नहीं है. A single coach has been introduced by the Indian Railways for this particular journey. तो वो चीज़ आपको तो peak seasons के time पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा. Finally we reached Avanti Hill. कल मैं आपको वैसे भी Avanti Hill लेके ही आई थी, बट आज the start of coach के साथ हम लोग Avanti आए हैं. यार जब मतलब it feels bad like when you're leaving Srinagar but like Kashmir, but then we're gonna come back again. Let's see. चलो Avanti Hill आ चुके हैं. हेलो कैसे यार, दैट्स सो स्वीट. पता है हम लोग कल अंकल से मिले थे जब अवंतीपुरा आए थे और मैंने उनको बताया था मिस्टर लोग कौन से एक्चुअली जाने वाली हूँ, तो उन्होंने सर ने वेट किया एंड फिर उसके बाद हम सर हमें वापस मिले यार. और मतलब इतना अच्छा लगा मुझे फर्स्ट भी सर ने चाय बाय सब दिलवाई एंड फाइनली यार सर बाय कहने के लिए यहाँ पे वेट कर रहे थे और बाय कर रहे हैं और सर ने घर में इंट्रोड्यूस किया आने के लिए बोल रहे हैं तो हम आएंगे. अच्छी बात है पक्का 100%. टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, नाइस टू मीट यू. क्या बन पूरा यार, बहुत काफी देर तक ऐसे हो गई है नहीं है.
और अवंतीपुरा से निकलने के बाद खाने पीने का सिलसिला साथ ही चल रहे पैसेंजर्स के साथ फिर से शुरू हो जाता है। कोई महाराष्ट्र से है तो कोई गुजरात से है, कोई बंगाल से है तो कोई हमारे साउथ इंडिया से है। और इसी के साथ में चलिए बात भी कर लेते हैं हम ट्रेन के स्पेसिफिकेशंस की। तो इस ट्रेन का नंबर है 04688 जो बड़गांव से चल के बनिहाल तक जाती है। इन बिटवीन 4 हॉल्स पैसेंजर्स देख पाते हैं श्रीनगर, अवंतीपुरा, अनंतनाग और काजीकुंड। सिर्फ फ्राइडे को छोड़ इस ट्रेन की फैसिलिटी आप वीक के बाकी हर दिन ले सकते हैं। दिस 90 किलोमीटर ट्रेन जर्नी टेक्स अराउंड 2 hours and 10 minutes। द ट्रेन 04688 बड़गांव बनिहाल स्पेशल ट्रेन लीव्स बड़गांव एट 8:20 इन द मॉर्निंग and reaches Banihal on the same day at 10:30 AM। और अब इतनी बात कर ही ली है तो of course price की बात भी कर लेते हैं। तो इस 2 hours 10 minutes की journey करने के लिए आपको ₹940 pay करने पड़ते हैं। वहीं अगर booking की बात करी जाए तो 3 महीने पहले आप इस train की booking कर सकते हैं। और सारा procedure जो है वो online available है। And I promise, इन 2 hours में आप कश्मीर की scenic beauty, इस खूबसूरत से विस्टा डोम कोच के साथ कुछ इस तरह ढूंढ लेंगे कि जैसे वो कभी खो ना पाए। और इसका लाइव एग्जाम्पल है मेरे सामने, देखिए ये सारे लोग। Everyone was so mesmerized by the experience that they all were having. And as a solo traveler, I enjoyed with them too. Guys, meet Sachin. Yeah, hello. क्या कर दिया पढ़ाई कर दो? मैच पूरा कर दिया? कर रहे हैं। तो वीडियोस वगैरह मेरी हेल्प भी कर रहे हैं साथ में सचिन। और आप आए कैसे हो कहाँ से? महाराष्ट्र से। कहाँ से महाराष्ट्र? जलगांव से। Oh my God, जलगांव से महाराष्ट्र? कितनी बार जलगांव कवर किया है मैंने यार। तो महाराष्ट्र से लोग क्या आए हुए हैं यार जलगांव से? कैसा लग रहा है वैसे आपको? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो लोगों को आना चाहिए स्टार्डम कोच में। और श्रीनगर कैसा लगा? एकदम बढ़िया, सुपर। चलो तो देखो सब लोग तो कह ही रहे थे आप लोग भी आओ और इंजॉय करो यहाँ पे आके। हम लोग इसी के साथ पहुंच चुके हैं अनंत। सुबह के लगभग 10 तो बज चुके हैं और मैं सुबह इतनी जल्दी जल्दी निकली थी श्रीनगर से कि कुछ खाने को नहीं मिला यार। तो पेट में ना चूहे दौड़ रहे थे और मैं सोलो भी ट्रैवल कर रही थी। बट कुछ ही देर में मेरे साथ जो ट्रैवल कर रहे पैसेंजर्स थे उन्होंने मुझे इतनी सारी चीजें खिलाई कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या छोड़ूं और क्या खाऊं। ट्रस्ट मी, सोलो ट्रैवल जो है ना वो इतनी मजेदार चीज है कि हर जर्नी को एक्स्ट्रा स्पेशल बना देती है अगर आपको अच्छे लोग मिल जाए तो। और लोग तो ज्यादातर अच्छे ही मिलते हैं मुझे तो एटलीस्ट यार। इट्स एक्चुअली टेस्टी। घर का बना हुआ है, समझ आ गया। बाहर कैसा होता भी नहीं है। मैं ममता राठी, हमारा द क्रिएशन कंपनी है मेरी, जो इंटीरियर डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट लोगों के लिए सारे आर्टिफैक्ट्स और स्टेनलेस वगैरह बनाती है। हम लोग हर साल हमारे स्टाफ को कहीं ना कहीं बाहर घुमाने लेके जाते हैं। तो इस साल हम लोगों ने कश्मीर चूज किया है। तो आते वक्त हम लोग जलगांव से दिल्ली तक राजधानी एक्सप्रेस से आए, वहाँ से सब लोग फ्लाइट से श्रीनगर आए। क्योंकि कई लोगों का सपना होता है ना कि हम एक बार तो कम से कम प्लेन में बैठे। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग चाहते थे कि हमारे एम्प्लॉय भी एक बार प्लेन में बैठे। वाओ। तो सबसे अच्छा रूट जो है जो दिल्ली टू श्रीनगर जो है बहुत ही स्किनिंग रूट है। फ्लाइट का और श्रीनगर कैसा लगा आप लोगों को? श्रीनगर बहुत खूबसूरत रहा। फर्स्ट डे हम लोगों ने हाउस बोट किया। हाँ जी। और हाउस बोट बहुत ही एक्सीलेंट मस्त है ना, बहुत एक्सीलेंट थी, बहुत खूबसूरत। और फ्लोटिंग लग्जरी का ग्रुप है और बहुत ही अच्छा फूड और बहुत अच्छी सर्विस उन्होंने हमको दी। ओके। तो उसमें भी बहुत मजा आया। विस्टाडोम कोच है
इंडियन रेलवे से ये इंट्रोड्यूस किया, ये पहले नहीं था। तो कैसा लग रहा है विस्टाडोम कोच को, आप बोलो ना कि विस्टाडोम कोच में आए तो नॉर्मल आना ही चाहिए, ये तो मतलब एक बार लाइफ में एक बार ये जर्नी करना ही चाहिए, इस तरीके का जर्नी है। क्योंकि इतना सुंदर जब लैंडस्केप है और अगर इस तरह का कोच मिल जाए तो फिर ऐसा लगता है कि यार कोच बहुत ही लाइवलीज कंफर्टेबल है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और उन्होंने ही मुझे मतलब इतनी प्यारी, इतना टेस्टी मतलब खाना, ये सब ये मटरी दी है महाराष्ट्र की, तो बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल यार बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग इस पूरी जर्नी के लास्ट लेग में पहुंच चुके हैं, ये लास्ट फेज है और कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन बनिहाल पे। बट उससे पहले कुछ एक्सपीरियंस जो मुझे लोगों से सुनने के लिए मिला वो आपको भी तो सुनाना बनता है ना, और मिलिए इन प्यारी सी आंटी से जिन्होंने मुझे खुश कर दिया। हेलो कैसा रहा आपकी एक्सपीरियंस विस्टाडोम को, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया, मजा आया। बस ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था कुछ टाइम पहले ही, तो विस्टाडोम कोच और इस तरह का व्यू है और विस्टाडोम कोच है, तो ट्रेन जर्नी कैसी लगती है आपको? अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश इस उम्र में जर्नी करना, और जहाँ पे हम श्रीनगर गए और सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। इच्छा थी कि बर्फ देखना, स्नो फॉल जो कि हम फोटो में देखते हैं, जी जी वो अनुभव मैंने यहाँ पे लिया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। सर यही पे है, बिल्कुल अब मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत आप बहुत ही वो स्पिरिट बहुत अच्छी है आपके अंदर घूमने की, मतलब ट्रैवलर हो आप, पसंद करते हो ट्रैवल करना, घूमना फिरना, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो फिलहाल जहाँ पे मैं खड़ी थी आपको लगेज स्पेस भी देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको अपने कोच के अंदर लगेज ले जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप बाहर ही अपना लगेज रख सकते हैं। पीछे ऑटोमेटिक डोर्स हैं जो खुद से खुलते हैं और खुद से बंद होते हैं, देयर इज़ अ बटन दैट यू जस्ट नीड टू प्रेस और डोर्स जो हैं वो खुल जाते हैं। वहीं आपको सिक्योरिटी पर्सनल भी ऑन बोर्ड मिलते हैं जो कि आपके सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। इतनी भीड़ थी वैसे कोच में और पीक सीजन के टाइम पे तो ये हमेशा फुल रहने वाला है, तो प्लीज़ अपनी जो भी बुकिंग्स हैं वो ध्यान से करवा लीजिए। इस कोच का एंटी जर्क सिस्टम काफ़ी एडवांस था और काफ़ी ईजिली आप वॉक कर सकते हैं पूरे कोच में। फिलहाल हम लोग गाजीपुर पहुंच गए और मतलब मुझे आज शायद मे बी देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ वेदर चेंज व्हिच डिड नॉट हैपन इवन फॉर थ्री डेज इट डिड नॉट हैपन दैट कोई वेदर चेंज हुआ है। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, मतलब ट्रस्ट मी बहुत अच्छी है। अब वी आर लीविंग फ्रॉम गाजीपुर राइट नाउ। काशीपुर तक हम लोग पहुँच गए हैं और एक्सपीरियंस जो है श्रीनगर का हो चाहे कश्मीर का हो, लाइक वेरी एस्थेटिक, वेरी ब्यूटीफुल, लाइक एट द सेम टाइम पूरे तीन डेज की तो थ्री डेज का ट्रैवल एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग था। एंड जस्ट यू नो ट्रैवल स्टोरीज में अगर कश्मीर की स्टोरी ना हो तो वो एकदम फीकी फीकी स्टोरी है। सो नाउ लाइक यू नो यहाँ की ट्रेन जर्नीज करना इज लाइक अ मस्ट फॉर मी। सो फाइनली इस ये जो ट्रैवल, ये जो पर्टिकुलर यही एक ऐसा इंडियन
जहाँ की मैंने पर्टिकुलर ट्रेन जर्नी शुरू करी, तो उस टाइम बाद तो डायरेक्ट ट्रेन आने लग जाएगी यहाँ पर, दैट वी लाइक वेरी बेनिफिशियल टू ऑल द पीपल सर्व. तो जब डायरेक्ट ट्रेन आएगी कश्मीर तक तो इतना हैजल भी नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हैजल फ्री सर्विस. हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छी मिली और इतनी खूबसूरत है कश्मीर के टूरिस्ट की. सो इन केस यू आर अ सोलो फीमेल चार्टर, आप लोग ब्लॉग्स नहीं देखे तो देख लीजिए, एंजॉय थॉरली, बहुत अच्छा था सर एक्सपीरियंस. एंड जितनी ट्रेन जर्नी मैं बनाती हूँ बस ये जो पूरा इंडिया का जो पार्ट है वो रहता है, बट नाउ आई कवर दैट पार्ट इज वेल. आगे आने वाली जो ट्रेन जर्नी है वो आप देखेंगे कंट्री के दूसरे दूसरे रीजन. और ये दिन से अंधेरा कुछ ऐसे ही नहीं हो गया है. तो आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो मेरे साथ इस ट्रेन जर्नी को ट्रेन में कर रहे हैं, हम सभी लोग फिलहाल गुजर रहे हैं इंडिया की लॉन्गेस्ट रेल टनल से, जो कि है बनिहाल काजीकुंड रेल टनल. और हंसी की बात तो ये है कि जितना मेरे घर से रेलवे स्टेशन दूर है उतनी लंबी तो ये टनल है, यानी 11.2 किलोमीटर्स. और पूरे एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 10 मिनट तक हमारी ट्रेन अप्रॉक्सीमेटली इस टनल के अंदर ही रहती है. वैसे कि मैंने बहुत सारी जो जर्नीज करी ही हैं ऑलरेडी इस कश्मीर ट्रिप पे, वो भी आप देख सकते हैं, और मैंने इस टनल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दी हुई है. अभी तक कितने लंबे वीडियोस से समझ ही गए होंगे आप यार कि इस पूरी ट्रेन की ना वाइब ही अलग है. और जो जो यहाँ पे आया वो अपनी मेमोरीज में इस पूरे एक्सपीरियंस को हमेशा के लिए अपने साथ ले गया. Right now we are inside Asia's longest tunnel, which is Banihal Railway Tunnel, which is 11.2 kilometers long. और इसमें जो पूरा डिस्टेंस था बनिहाल मतलब श्रीनगर से और जो बनिहाल का, वो बहुत कम कर दिया गया. There's a lot of information. It is one of the मतलब engineering का marvel है of course. वेरी ब्यूटिफुल और काफ़ी जो चीज़ें हैं इसके बारे में वेरी लॉन्ग वन. तो आप जैसे बनिहाल से निकलते हैं वैसे ही आपको ये टनल जो है देखने के लिए मिलती है. तो काफ़ी लंबी टनल है और काफ़ी खूबसूरत लगता है जब टनल्स के थ्रू निकल रहे होते हैं. जैसे कि आप लोगों को पता है जो 25 किलोमीटर्स का जो स्ट्रेच है जो उधमपुर से जो कटरा के बीच में है, वो भी इंजीनियरिंग का मावल हो जाता है. मैंने बहुत से ब्लॉग्स उसके भी कवर करे हैं, तो आप वो भी देखें. बट ये इतनी लंबी टनल है यार, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत देर से 11 किलोमीटर मतलब सोच रहा हूँ, एंड उतना लंबा मतलब आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है. और सब लोग यहाँ पे टूरिस्ट इतना इंजॉय कर रहे हैं, मतलब हर मतलब भी इस वीडियोज़ के लिए मैं भी कर रही हूँ. तो सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं एंड देन खा पी रहे हैं, साथ में बैठ के बातें कर रहे हैं, और सबको स्टार्ट होकर एक्सपीरियंस इतना अच्छा लग रहा है ना. तो आप भी आइए और इंडियन रेलवे के साथ ट्रेन जर्नी करिए. तो रिवाइव करते हैं एक बार इंडियन रेलवे की ट्रेन जर्नीज को एक अच्छे से एक्सपीरियंस के साथ. फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बनिहाल, तो उतरते हैं नीचे क्योंकि फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे. लेट्स गेट डाउन एट बनिहाल रेलवे स्टेशन. और जर्नी बस कंप्लीट हो चुकी है, कैसी लगी आप लोग बताइए एक बार. पहले आई जस्ट हैव टू गेट डाउन, टेक माय लगेज. या बाय बाय, नाइस टू सी यू. लेट्स गेट डाउन. बस मुझे यार एक ही चीज़ का रिग्रेट है यहाँ से उतरने से पहले, कि ये जर्नी इतनी छोटी थी कि पता ही नहीं चली यार, 2 घंटा बस. और ये लीजिए ट्रेन के जाने के साथ ही इस पूरी जर्नी का अब समापन होता है. एंड आई सो विश दैट आई विल मीट हर वंस अगेन वेरी सून. बाय बाय कश्मीर, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी. सो गाइज फाइनली गॉट डाउन एट बनिहाल रेलवे स्टेशन. यहाँ पे फाइनली उतर के पूरी जर्नी जो थी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी थी. आप लोग जरूर आइए, मैंने एज ए सोलो फीमेल ट्रैवलर में ट्रैवल करती हूँ, तो आई नीड वीडियोज अकॉर्डिंग टू दैट है. तो जरूर आइए एक बार और पूरे एक्सपीरियंस को ट्राई करिए, वेदर इट्स वेस्टर्न रूम फूड जर्नी, वेदर इट्स ऑल द अदर ट्रेन्स, यू कैन कम हियर एंड एंजॉय द जर्नी. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्प्रेड हैप्पीनेस, बी पॉजिटिव. आई एम
गोना सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियोस. कैसा लगा जरूर बताइएगा. आपसे एक नई जो बाय.